साथियों, केयू सेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साथियों टाइम से संबंधित सेंटेंसों को बनाना सीख रहे थे, उसमें आज जो बचा हुआ है ना वो डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव पर बचा हुआ है, डब्ल्यू एच पर बचा हुआ। तो आज ये साथियों सीखेंगे ना डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसों पर सीखेंगे कि आठ क्यों बजा है, दस क्यों बजा है, बारह क्यों बजा है, दो क्यों बजा है। इस तरह के सेंटेंसों को बारीकी से अध्ययन करने का हम लोग क्या करेंगे साथियों, समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों क्या होगा, अब जरा सा समझेंगे इन सेंटेंसों को, ये सेंटेंस किस तरह के होंगे, जरा सा ध्यान देंगे। सेंटेंस है कि आठ क्यों बजा है, दूसरा सेंटेंस है नौ क्यों बजा है, तीसरा सेंटेंस है चार क्यों बजा है, चौथा सेंटेंस है कि पांच क्यों बजा है, फिर पांचवा सेंटेंस है एक क्यों बजा है। साथियों इस तरह के सेंटेंसों को एक छोटा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो एक क्यों बजा है और फिर आठ क्यों बजा है, नौ क्यों बजा है, इस तरह के सेंटेंसों को समझने का आप प्रयास करेंगे तो वो जो साथियों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा साथियों, डब्ल्यू एच वॉट प्लस इज प्लस इट प्लस टाइम प्लस ओ क्लॉक और प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड मतलब क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, इज ये तो जानते ही हैं, इट उसके बाद लगाएंगे और फिर टाइम जो बच गया ना इन टाइम में क्या देंगे, जैसे आठ नौ चार पांच एक ये सब का क्या करेंगे वर्ड मीनिंग लिख देंगे और फिर ओ क्लॉक आराम से लिख देंगे। तो ध्यान देंगे आठ क्यों बजे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड तो क्या हो जाएगा, व्हाई इज इट एट ओ क्लॉक। फिर साथियों नौ क्यों बजा है, क्या हो जाएगा, व्हाई इज इट नाइन ओ क्लॉक। फिर साथियों चार क्यों बजा है, व्हाई इज इट फोर ओ क्लॉक। फिर पांच क्यों बजा है, व्हाई इज इट फाइव ओ क्लॉक। और फिर साथियों एक क्यों बजा है, व्हाई इज इट वन ओ क्लॉक। साथियों इस तरह के सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये बड़ी आराम से आप इसको समझ गए होंगे। साथियों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और फिर कमेंट्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।